और पेट टाइमपीस सीरीज़ में मूवमेंट बदलने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वैक्यूम बुश, कटर, टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर और फोर पार्ट स्क्रू ड्राइवर और सेलो टेप। सबसे पहले हम वैक्यूम बुश की मदद से ग्लास को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हैंड्स को निकाल देंगे। उसके बाद पीछे दिए गए दो एडजस्टर को खींचेंगे। अब बैक कवर को फ्रंट कवर से अलग करेंगे। उसके लिए जो दो स्क्रू ऊपर है उसे खोलेंगे और दो स्क्रू जो सेल कवर के अंदर दिए गए हैं उसे खोलेंगे। स्क्रू खुल जाने के बाद अब बैक कवर हमारा फ्रंट कवर से अलग हो गया है। उसके बाद मूवमेंट का और पावर स्टैंड के कनेक्शंस को जो वायरिंग कैप के साथ जॉइन किए गए हैं उसे अलग करेंगे। कनेक्शंस निकल जाने के बाद अब हम मूवमेंट को खोलेंगे। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट घड़ी से अलग हो जाएगा। अब हम घड़ी में नया मूवमेंट फिट करने जा रहे हैं। फिट करने के लिए पहले मूवमेंट को उसकी पोजीशन में फिट करेंगे और दो स्क्रूज को टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब हम वायरिंग कनेक्शन करेंगे। वायरिंग कनेक्शन हम कलर कोड के हिसाब से करेंगे। रेड वायर को रेड वायर के साथ, येलो वायर को येलो वायर के साथ, फिर वायरिंग कैप पहनाकर उसे उसकी दी गई हुई जगह पर फिट कर देंगे। कलर कोड के हिसाब से हम कनेक्शंस कर देंगे। ब्लैक कलर को ब्लैक कलर के साथ, ग्रे कलर को ग्रे कलर के साथ, वायरिंग हो जाने के बाद उस पर हम कैप पहना देंगे और उसके दिए गए हुए स्लॉट्स में अच्छी तरीके से बैठा देंगे।
इस तरह से हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम बैक कवर और फ्रंट कवर को एक दूसरे में इस तरह से फिट कर लेंगे। अब हम बैक कवर के स्क्रूज को टाइट करेंगे। इस तरह से हमारा बैक कवर फिट हो गया है। अब हम कड़ी में हैंड्स बिठाएंगे। पहले अलार्म की हैंड को बैठाएंगे, फिर आवर के हैंड को, फिर मिनट के हैंड को और फिर सेकंड्स के हैंड को। हैंड्स एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए और अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद हम ग्लास को ऊपर फिट करेंगे। अच्छी तरीके से प्रेस करके फिक्स कर देंगे और पीछे जो दो एडजस्टर है उस एडजस्टर को अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप टाइम पीस में मूवमेंट रिप्लेस कर सकते हैं।